हमारे भारत देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अंबेडकर की मूर्ति को बड़े ही शान से तोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारे इसी भारत देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही भगवान माना जाता है। आखिर क्यों तोड़ी जाती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति? जो लोग बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं वे बहुत ही नीच और तुच्छ किस्म के इंसान होते हैं। क्योंकि दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना तो राक्षस थे ना दानव थे, वो शिक्षा के एक ऐसे महान दायित्व थे जिन्होंने भारत के लिए न जाने कितने आंदोलनों को शुरू किया था। बस ये बात अलग है कि राजनीति के तौर पर आज अंबेडकर के चलाए गए किसी भी आंदोलनों का हमें नज़ारा नहीं दिखाया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से देश में आज़ादी आई, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कौन थे? नेहरू के भाषण ने किया देश को प्रभावित, तो चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? देश भूल चुका है इन सभी के बलिदानों को, तो फिर क्यों ढोंग का नाच नचाता है? तेरा हाथ उठता है अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने को, कभी देख इतिहास पर वो ही प्राचीन काल का शिक्षा का सबसे बड़ा विधाता है। भारत में स्कूल तो पहले भी थे, लेकिन दलितों के पास पढ़ने का उतना अधिकार नहीं था जितना कि आज के समय में है। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत में दलितों के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो जरा सोचिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता पिताओं ने कितनी मेहनत और कितनी कठिनाइयों से अंबेडकर को पढ़ाया होगा। दोस्तों, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन करता हूँ जिन्होंने इतनी कठिनाइयों के बीच भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और महान इंसान बनाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग अछूत मानते थे, मतलब कि एक समय का दिन ऐसा भी था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पत्थर की भगवान की मूर्ति को छू लेते तो वो भी अछूत हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, उसी अछूत इंसान ने भारत का संविधान लिखा जिससे आज पूरा भारत चलता है। और दोस्तों, उसी अछूत के जरिए से न भारत में न जाने कितने अंग्रेजों को बाहर फेंका था। और दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे भारत के इन राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन राज्यों में अंबेडकरवादी भरपूर मात्रा में है। इतने पूरे भारत में अंबेडकरवादी नहीं है जितने इन राज्यों में पाए जाते हैं। और इन्हीं राज्यों में बाबा साहब अंबेडकर की सबसे ऊंची 3 प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। दोस्तों, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं बाबा साहब के जन्म स्थान पर घूम जाऊं, और जिस दिन मैं जाऊंगा आपको वहां से नई नई जानकारियां लाकर बताता रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।